पोर्तगीज ने सबसे पहले फोर्ट्रेस बनाया था कोचिन में नागसेना वो बुद्धिस्त मंक है जिन्होंने कन्वर्ट किया था मिलिंद को इंडो ग्रीक किंग टू बुद्धिज्म वीनस वो स्टार है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार आज के सवाल हैं द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो इन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वॉज हु बाय द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर कोर्ट द फेमस संस्कृत डिक्शनरी अमर कोश वॉज कंपाइल्ड बाय हुम दथथर ऑफ द वर्क द आर्टिक होम ऑफ द वेदास वे किसने किसका वर्क है हु वॉज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबलरी है अनस्के मतलब अनहार्मइंजर्ड विदाउट सफरिंग एनी इंजरी ट का मतलब होता है मिसलेनियस कलेक्शन है थिंग्स और पीपल काइंड ऑफ मिक्सर वेराइटी मतलब त्याग करना वॉलेंटरीप आवर क्लेम गिवअप करना कॉन्फ्लेट का मतलब होता है मिलाना एड एडमिक्स कंबाइन अन प्लिंचिंग अन प्लिंचिंग डेडिकेशन है टू वर्ड्स योर स्टडीज नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और

बाई इवनिंग ओके सो लेट एस बिगे अवर डिस्कशन फर्स्ट जो न्यूज है वो है आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर सिग्नल रिफॉर्म्स इन ट्रबल्ड अर्बन ऑप बैंक सी आर बी आई का तो काम ही होता है बैंकिंग वगैरह में रेगुलेशन करना और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एम्फेसाइज किया है कि रिफॉर्म्स जरूरी है अर्बन कोऑपरेटिव में बिकॉज पिछले कुछ टाइम पे आपने देखा बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव फ़ेल हुए हैं अर्बन कोऑपरेटिवस फ़ेल हुए हैं इसमें जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो डूब गया है प्लस अर्बन कोऑपरेटिव जैसे जो बैंक्स होते हैं कई बार ये हायर रिटर्न देते हैं सेविंग्स में और एफ में तो मैनी टाइम्स पीपल टेम्प्ट होते हैं कि जो रेगुलर जैसे एस वगैरह है ये ज़्यादा रेट दे नहीं रहा है तो लोग अपने पैसे को यहाँ डाइवर्ट करते हैं बट लोग भूल जाते हैं हायर द रिटर्न्स, हायर द रिस्क तो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है कोऑप बैंक्स में गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने वॉर्न किया डिपॉजिटर्स को हायर रिटर्न्स को आप चेस कर रहे हो बट ऐसा नहीं कि यू फेल ट्रैप ट्रैप में आप फंस जाओ इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स भी चलती है कि इतने परसेंट रिटर्न आ जाएगा ऐसा होगा मोस्ट ऑफ देम अगर वो अगर वो इररेगुलर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिटर्न दे रहे हैं तो देर इज सम कैच देर इज सम प्रॉब्लम सो अननेसेसरी चेस नहीं करना है हायर रिटर्न को सी आर के शक्तिकांता दास साहब ने इंडिकेट किया कि जो आर है बैंकिंग रेगुलेटर विल रिंग इन स्वीपिंग रेगुलेटरी चेंजेस टू रिफॉर्म अर्बन शहरों में होने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे रूरल कोऑपरेटिव्स भी होते हैं ये शहर वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कुछ ही टाइम पहले हमने देखा था रूरल कोऑपरेटिव और नाबार्ड की नाबार्ड का जो रोल है ड्यूटी है इसको लेसन करने की क्यों ज़रूरत है यहाँ बात है अर्बन कोऑपरेटिव की तो अर्बन कोऑपरेटिव मतलब आर तो यहाँ बात है स्पेट ऑफ फेलियर्स होता है तो पीपल को वॉर्न किया अगेंस्ट पार्किंग देयर सेविंग्स इन बैंक्स ऑफरिंग हाई रिटर्न तो बैंक की हेल्थ भी ध्यान रखना ज़रूरी है इससे पहले बैंक में अगर बैंक फेलियर होता है तो पहले वन लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता था वो बढ़ा के पाँच लाख हो गया तो डिस्क्राइबिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज द इंश्योर्ड लिमिट फॉर बैंक डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट में जो पैसा रखा है तो अप टू फाइव लाख रुपये का आपका पैसा इंश्योर्ड होगा नब्बे दिन के अंदर अगर बैंक डिपॉजिट बैंक फेल होता है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा तो दिस इज लैंडमार्क डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड हायर रिटर्न आर यूजली एसोसिएटेड विद हायर रिस्क हायर द रिटर्न हायर द रिस्क दैन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी अभी रिसेंटली बनी है एक्चुअली दैट इज़ अ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री रूरल कोऑपरेशन और पीपल एंड ऑल सो द आइडिया इज़ टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव सिस्टम बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड बहुत डाइवर्स कंट्री है ग्राउंड रूट पर अगर हमें इकोनॉमिक पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाना है तो कोऑपरेटिव बहुत जरूरी है कोऑपरेटिव का ट्रू पावर रियलाइज करना ज़रूरी है सो वी नीड टू एम्पावर कोऑपरेटिव बैंकस फर्दर तो आर जो अर्बन कोऑपरेटिव को, को मैनेज करता है वो अब क्या करेगा पांच लाख रुपए तक का जो आपका डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस आपको मिलेगा विद इन नाइन्टी डेज पैसा मिल जाएगा अगर बैंक आपका डूबा बट स्टिल देर इज अ वार्निंग हायर रिटर्न के लिए ब्लाइंडली चेस नहीं करना है वेन द आर बी आई विल सी ओवर सी कोऑपरेटिव बैंक फंक्शनिंग तो दिस विल ऑल्सो रेज डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंस फर्दर बिकॉज हमको ऐसा लगता है ना कि आर बी आई बैठा है हमारी दिस जाँच के लिए कि बैंक कुछ गड़बड़ करेगा तो आर बी आई तुरंत वहाँ पर इंटरवीन करेगा जैसे सेबी होता है सेबी किस लिए होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री आइडिया है स्ट्रेंदन करना कोऑपरेटिव सिस्टम को और एम्पावर करना कोऑपरेटिव बैंक्स को फर्दर तो दिस इज़ द मैसेज विच इज़ अ गुड वन टर्स को भी यहां पर बताया जाता है कि हायर रिटर्न के लिए ब्लाइंडली चेस नहीं करना है कई बार पोजी स्कीम्स होती है स्कैम्स होते हैं नो जस्ट बिकॉज अ बैंक इज ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट द डिपॉजिटर शुड बी वेरी केयरफुल देर मनी तो ये ऑफिशियल लाइन है आर बी आई गवर्नर का दिस इज इंपॉर्टेंट ओके डिपॉजिटर फर्स्ट इवेंट था अभी सेफ्टी नेट बिकॉज यू नो जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है बैंकिंग सिस्टम का ज्यादा से ज्यादातर लोग अब बैंकिंग सिस्टम से दिस एक्सपोज भी हो रहे हैं और हम कह सकते हैं उस पर डिपेंडेंट भी हो रहे हैं तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रोबस्ट रखना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वेरी गुड जो नेक्स्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर टू ओपन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टुडे अब जो बनारस है काशी है दिस इज़ एन एशियन सिटी एंशियन सिटी यहाँ पर बहुत फेमस टेम्पल है काशी विश्वनाथ का टेम्पल अब ये जो टैंपल है लॉर्ड शिवा का एक्चुअली क्या था शहर पुराना है तो शहर तब बना था जब जनसंख्या कम थी आज की डेट में जनसंख्या इतनी बढ़ गई पॉपुलेशन डेवलपमेंट बिल्डिंग्स मकान सब बन गए तो ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये भी जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा दिस कंजस्टेड हो गया था तो ये रिवर है आपकी गंगा दिस पाथवे इसको वापस रिवैम करने की बात है तो उसी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बोला गया ताकि जो डिवोटीज़ हैं उनका इजी एक्सेस हो जाए टेम्पल पे फ्रॉम दिस रिवर टू टेम्पल कॉरिडोर को रिवैम किया गया है अब क्या था यहाँ पे कंजेस्टेड स्ट्रीट्स थी बिकॉज पुराना बहुत एंशियंट सिटी है काशी सराउंडिंग विथ पुअर अपकीप था एज ओल्ड कस्टम है यहाँ पे होली रिवर का गंगा जल ला के टेम्पल में डालना तो ये कॉरिडोर बन जाने से यहाँ काफ़ी सहूलियत हो जाएगी देन बिल्डिंग में नैरो स्ट्रीट्स वगैरह यहाँ पे किया फ्रेश कोट ऑफ पेंट भी है तो ब्यूटिफिकेशन भी है ये टॉपिक हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं सिलेबस में अर्बनाइजेशन जो है और अर्बन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग तो जैसे चांदनी चौक का अभी रिवैम पड़ा था कुछ टाइम पहले तो यहाँ बहुत सारे तीज हाउसेस वग़ैरह थे उनको भी कॉरिडोर के लिए यहाँ पे दिस लिया गया और कॉरिडोर में कन्वर्ट किया तो दिस इज़ देयर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब ये भी एज अ केस स्टडी जब अर्बन प्लानिंग वगैरह कुछ बताना है तो वी कैन यूज दिस पॉइंट समवेयर देन यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर ट्विटर्स अकाउंट ब्रीफली यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह ऐसा कुछ ट्वीट्स आ गए थे सो दिस इज देर सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का अब जो नेक्स्ट है देन यहाँ पर बात है दिस स्ट इन ट्रांजिट एंड दिल्ली में टेम्परेचर कम है और ये है एजुकेशन प्लस सी वाई एडिंग द आर्ट्स टू साइंस एजुकेशन मेक्स अस बेटर राउंडेड एक वर्ड होता है पॉलीमैथ ये पॉलीमैथ वर्ड का मीनिंग देखना पॉलीमैथ और कुछ फेमस पॉलीमैथ के नाम भी बताना फेमस पॉलीमैथ के नेम्स बड़े बड़े अच्छे जाने पहचाने नाम हैं न सी क्यों ज़रूरी है कि हम स्टेम को स्टीम में कन्वर्ट करें स्टेम को स्टीम में कन्वर्ट क्या करें जैसे साइंस टेक्नोलॉजी ये था इधर आर्ट्स भी आ गया तो ये बन गया स्टीम सी आज का जो टाइम है ना वो सिलोज में रहने का टाइम नहीं है सब चीज़ें इतनी इंटरलिंक्ड हो गई हैं डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं वो भी इतना इंटरलिंक हो गई है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको एक डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो आपको भी ऐसा नहीं करना है कि हम आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम साइंस में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं या अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट टच भी नहीं करेंगे समझेंगे ही नहीं नो इससे आप डिसएडवांटेज में रहोगे क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना ये मल्टी जैसे मल्टीपोलर वर्ड बन गया है ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी आपको नॉलेज होनी चाहिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला ब्रिज करो साइंस और आर्ट्स के गैप को तो जो स्टीम लेके आओ स्टेम में आर्ट्स ऐड करो सो दिस इज़ स्टीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बीच में आर्ट्स एंड मैथ्स तो स्टीम का जमाना है तो दिस इज़ गुड इस डायरेक्शन में जैसे हम आगे बढ़ भी रहे हैं बीच में एक आया था कि इंजीनियरिंग के लिए दिस पी जरूरी नहीं होगा आई और इंजीनियरिंग कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे अप्रोच दिस अप्रोच इज़ अ नोवल अप्रोच बिकॉज मल्टी एजुकेशन होना ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए साइंस और आर्ट में पीपल फोकस करें करियर बिल्डिंग तो करियर पाथ जो हो वो आपके यूनिक इंटरेस्ट हो तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जैसे हमारे यहाँ कई बार दौर चलता है एक बार टाइम आया कि सबको इंजीनियरिंग करना है फिर एक टाइम आया सबको दिस ह्यूमैनिटीज़ करना है अभी एक टाइम आया सबको सिविल सर्वेंट बनना है सबको सिविल सर्वेंट बनना अलग बात है जिसका इंटरेस्ट हो उसको बनना अलग बात है सो जो यूनिक इंटरेस्ट है आपकी कैपेबिलिटीज हैं स्ट्रेंथ है उस पर अगर प्ले करें ना तो ज़्यादा अच्छी सक्सेस और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है तो जैसे म्यूजिशियन और एजुकेशन है तो यहाँ पर भी है बहुत सारे आप जैसे देखो आइंस्टाइन जो था वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता था और अगर आप बनना चाहते हो तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में आपको एक नॉलेज बेस रखना पड़ेगा फिजिबिलिटी स्केलिंग कैसे करना है लाइक दैट सो द पॉइंट इज़ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होना ज़रूरी है यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें जैसे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स का म्यूज़िक में पेंटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है देन देयर आर सम आर्ट स्टूडेंट्स जिनको अभी टेक्नोलॉजी में वीडियो एडिटिंग एट्सट्रा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है सो द पॉइंट इज़ वर्ल्ड इज़ चेंजिंग हमें मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए देन यहाँ पे बात है पीपल फोकस्ड हैं करियर बिल्डिंग पे अब जैसे लैपटॉप्स में भी टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स अगर डिज़ाइन करना है अब ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है तो अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा नॉलेज है जैसे स्टीव जॉब्स है स्टीव जॉब्स अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा है उसको उसने कैलीग्राफी समथिंग एक कोर्स किया था तो जब वो एप्पल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा था तो एप्पल की फोनस देखना एप्पल की जो फोन है ना दे आर रियली गुड और एप्पल का जो ओ होता है उसमें मतलब जो एस्थेटिक्स है ना उस पर बड़ा एम्फेसाइज किया जाता है तो स्टीव जॉब्स ने बताया ये उसने कहाँ से सीखा उसने वो कैलीग्राफी की जो क्लासेस ली थी तो एस्थेटिक्स ग्राफिक्स एनिमेशन उसको वहाँ इंटरेस्ट आया फिर एक पिक्सार भी बनेगी सो द पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटी से एक डिस्टेंस बना के रखना है आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लेके आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है तो एस्थेटिक अपील ये सब उसने वहाँ से सीखा तो ये ज़रूरी है आज के टाइम पे भी और आज का टाइम तो इतना इंटरलिंकिंग हो गया है कि हमको सेपरेट नहीं करना चाहिए सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए सब चीज़ें आपस में थोरोली इंटरलिंक्ड है दिस इज़ द वर्ड ऑफ पॉलीमैथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंटरेस्ट होना चाहिए सो दिस इज दैट अब जो बात है वो है फ्रीडम एंड पावर का सी यहाँ जो बात है वो अभी जो यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन जो बाइडेन जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ था उस पर एक एडिटोरियल टेक लिया है डेमोक्रेसी समिट क्यों हुआ था बिकॉज यू अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड मानता है डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ है उसका चैम्पियन मानता है और इन वैल्यूज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड पुश भी करता है तो इस बात पे समिट फॉर डेमोक्रेसी पे ये आर्टिकल है इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप देयर प्रोमिस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर देयर पीपल पहले भी हमने देखा है जो की थे बड़े इंपॉर्टेंट थे फ्रीडम इक्वालिटी फॉर देयर पीपल एक्सलेंट फॉर्डर मटेरियल है ये तो आजकल जैसे वरिंग ट्रेंड चल रहा है ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं जो इंस्टीट्यूशन हैं वो पीछे हो रहे हैं और इंडिविजुअल्स आगे आ रहे हैं विच इज द कॉज ऑफ वरी हमेशा ये होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंदन करना चाहिए और इंडिविजुअल उसका पार्ट बनना चाहिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से बड़े बनते हैं तो एक प्रॉब्लम है तो इससे क्या होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कई बार हमें फॉल्टर करते भी नज़र आए तो जो बाइडन ने 110 नेशंस को इनवाइट किया और दिस समिट ऑफ डेमोक्रेसी समिट फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज़ किया अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो इन्वाइटी थे ये 110 थे उनको किस क्राइटेरिया में आपने इन्वाइट किया फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को किस बेसिस पे इंक्लूड किया यहाँ पे जबकि नेपाल इंडिया तो थे बट बांग्लादेश को नहीं लिया अब एनी डे बांग्लादेश इज़ अ बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान बट वाई बांग्लादेश को एक्सक्लूड क्यों किया भूटान को क्यों किया श्रीलंका को क्या किया क्यों एक्सक्लूड किया तो इससे सीरियस डाउट्स हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है 110 नेशन जिनको डेमोक्रेसी का दिस चैंपियन माना गया दूसरा बात आता है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कि ह्यूमन राइट्स वहाँ पे वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं लोगों का विल फ्रीडम प्रेस वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है इंडिपेंडेंटली या नहीं हो रहा है दो बहुत बड़े कंट्रीज हैं रशिया और चाइना इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया तो तभी रशिया ने रशिया ने तो क्रिटिसिज्म किया ही चाइना ने भी यहाँ पे एक टॉन्ट किया था कि चाइना इज इनफैक्ट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड सो दिस इज़ देर चैलेंजेस हैं डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इराक लिबिया और अफगानिस्तान ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस क्या समझता है कि वो डेमोक्रेसी का पूरे वर्ल्ड में दिस चैंपियन है स्प्रेड करेगा डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इससे क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जैसे इराक इन्वेजन हुआ ये अननेसेसरी था लिबिया हुआ अफ़गानिस्तान का जो पूरा एपिसोड हुआ इस 20 साल में यूएस ने पूरा ट्राई किया कि अफ़गानिस्तान को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिल्ड किया जाए बट वो सक्सेस नहीं मिला सो ये एक मिसएडवेंचर था देन अफ़गानिस्तान म्यांमार में जैसा चल रहा है अभी मिलिट्री कू चल रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में डेमोक्रेसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन से आती है तो वो वर्कआउट नहीं करती है अफगानिस्तान केस में भी हमने सीखा जब लोग वहां के चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो देन ओनली डेमोक्रेसी प्रॉस्पर तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है चैलेंजेस क्या हैं तो द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी की एक कोई वन सिंगल डेफिनेशन भी नहीं होती डेमोक्रेसी के बहुत सारे वर्जनज हैं डेमोक्रेसी भी इवॉल्व हो रही है डेमोक्रेसी भी सेल्फ करेक्टिंग होती है जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है डेमोक्रेसी मतलब फ्री मीडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन पार्टिसिपेशन ऑफ वूमेन और ये ऑथोरिटेरियनिज़म नहीं है करप्शन नहीं है ह्यूमन राइट्स का वॉयेशन नहीं है तो मतलब ये सब चीज़ हो रहा है तो डेमोक्रेसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा इंक्लूजन होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ह्यूमन डिग्निटी रेस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए सब कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो ये एक डेफिनेशन हो गई अब बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज आ गई ट्विटर ने बैन किया ट्रंप को ट्रम्प को बैन किया इट्स नॉट अ बिग डील यूएस के प्रेसिडेंट को बैन किया ये बहुत बड़ी बात है तो इससे डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज़म आ गया कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट चेंज आ रहा है राइजिंग इकोनॉमिक इनिक्वालिटी है तो इससे डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं वो पिटते हैं ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं ये सारे चैलेंजेस प्लस आज की डेट में एक और दूसरी चीज़ बढ़ती जा रही है वो है हाइपर नेशनलिज्म हाइपर नेशनलिज्म जिंगोइज्म हो रहा है लाइक कंट्री ए है तो कंट्री ए इज़ द बेस्ट दिस इज़ ओके योर कंट्री इज़ बेस्ट बट दिस डजेंट मीन कि बाकी जो बी सी डी इतनी सारी कंट्रीज़ हैं वो वर्स्ट हैं नो तो ये हाइपर नेशनलिज्म इज़ बैड जीनोफोबिया इज़ बैड मेजोरिटेरियनिज़म इज़ बैड तो इससे जो रिप्रेजेंटेशनल प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव गवर्नेंस की हम बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट पिट जाता है डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम राधर देन मेकिंग इंटरनेशनल प्लेजेस एट समिट लेवल कॉन्फ्रेंस वेरी पावरफुल लाइन डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी एट होम जो अभी यहाँ पे ब्लैक और वाइट का रेशियल जो एपिसोड हुआ था ट्रंप एंड दिस बाइडन के ट्रांजिशन में वो एक बहुत बड़ा ब्लॉट है ब्लॉट है यूएस की डेमोक्रेसी पे भी समिट लेवल कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप द प्रोमसेज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वेलिटी फॉर द पीपल और डैमोज डेमोज मतलब पीपल दैट मेकअप दर नेशन तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है इसका मैं नोट्स ऐसे प्रिपेयर करके पी डी एफ आईल शेयर दिस इज़ फ्रीडम एंड पावर सिमिलरली हम एन सी आर टी भी पढ़ते हैं ना तो आप एन सी आर टी पढ़ो नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ आज का जो सवाल है वो भी दिस पॉलिटी का ही है तो यू विल सी कि हम जैसे सिटीजनशिप है तो क्यों है फंडामेंटल राइट्स हैं तो क्यों है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो क्यों है? है, तो है तो जो बिहाइंड द स्टोरी होती है ना वो बिहाइंड द सीन की ये कैसे इस कंक्लूजन पे हम आए वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो एक बार टाइम मिलेगा तो जरूर आप सारे वीडियोस देखना एनसीईआरटी पॉलिटी के ओके देन दिस इज एंडलेस ऑडियल शुड नॉट बी ट्राइड फॉर एक्सपोजिंग अब्यूज ऑफ पावर एंड मस्ट वॉक फ्री तो अभी जैसे लाइन देखा ना डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी बिगिन एट होम फ्री फ्रीडम ऑफ मीडिया जरूरी है तो यूएसए दिस असांस पे ऐसा ट्रायल क्यों कर रहा है सवाल उठते हैं जूलियन असांज की क्या स्टोरी है कि एक बनाया विकी लीक्स विकी लीक्स का फाउंडर है विकी लीक्स ने क्या किया यूएस गवर्नमेंट के जो क्लासिफाइड पेपर है उसको उसको सम उसको अक्वायर कर लिया यूएसए ने बोला ये एस पी का एक्ट हुआ है मतलब चोरी किया है यहाँ पे दिस लाइक स्पाइंग किया है एनी anyway, वे तो जूलियन असांज ने जो ये क्लासिफाइड फाइल्स यूएस की निकाली क्लासिफाइड में पता चला कि यूएस ने इराक में इतनी की है सीरिया में अट्रॉसिटीज की है लाइक like दैट तो जो हॉरर्स है जिसको कवरअप कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट वो यहां पे लीक हो गए तो यूएस ने कहा कि हम जुलियन असांज को दिस क्रिमिनल बिकॉज जुलियन असांज इज नॉट ए अ नॉट इन अ रिपोर्टर नॉट एवन अ रिपोर्टर तो जूलियस असांज को ऐसी कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी कोई फॉर्मल रिपोर्टर नहीं है दिस इज़ अ केस ऑफ एस्प्योनेज तो दैट इज़ वाई इसको 175 साल की जेल हो सकती है तो जूलियन असांज भी बड़ा स्मार्ट है, है उसने रिफ्यूज ले लिया इक्वेडोरियन एम्बेसी लंदन दो में एम्बेसी में ताकि एम्बेसी और उसके प्रोटोकॉल के थ्रू उसको कुछ सेफ्टी मिल जाए उसका एक्स्ट्रा नहीं हो पाए यूएसए में बट अब ये केस भी डिफीट हो गया है और अब असानझ को एक्स्ट्राडिशन होगा यूएसए में और यूएसए में जाएगा तो वहाँ पे केस चलेगा तो लेट अस सी क्या होता है जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे वो इराक और अफ़गान वॉर के थे सारे मीडिया हाउसेस वग़ैरह ने यहाँ पे इसको कवर अप करने का भी कोशिश किया यू गवर्नमेंट ने कहा कि असानज कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं तो ये एक स्पाइंग का केस है दिस जासूसी का केस है देन लॉ है कि इसमें अगर ऐसा होगा तो पनिश किया जाएगा अब बताइए क्या ये डेमोक्रेसी है जो फ्री फेयर प्रेस है लोगों का वॉइस है उसको यहाँ पे सप्रेस नहीं किया जा रहा बाय द गवर्नमेंट तो इस बात पे पे ऐसा आर्टिकल टेक है ओके देन दिस इज अगेन वेरी गुड आर्टिकल ये पी डी टी आचारी साहब का है बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपके होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है यूजली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन पे आपके आर्टिकल्स होते हैं सो दिस इज द इवोल्यूशन इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कैसे बना आज मैं इसका प्ले एक बार फिर शेयर कर दूंगा जो संविधान सीरीज है दिस राज्यसभा फॉर्मर राज्यसभा अभी संसद टीवी इसको एक बार आप देखना इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है पूरी सीरीज़ आप देखो अगर 2023 वाले हो तो ज़रूर देखो उससे आपको समझ में आएगा कि संविधान एक्चुअली बना क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बोलता क्या है जो हमें देश में आज़ादी मिली उसके एक्चुअल मायने क्या है और ये जो चीज़ इतना बना पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ जो वैल्यू सिस्टम है हमारा वो कैसे आया क्यों आया उसका सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे समझ में आएगा सो so, ये बहुत ज़रूरी है जानना कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसे नवंबर 26 को बनाते हैं हम इसमें साइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट कब हुआ था 26 जनवरी 1950 ये साइन हुआ था नवम्बर छब्बीस उन्नीस सो दिस इज़ नवम्बर ट्वेंटी तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे होता है रेगुलर टॉक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है क्या हमारी वैल्यू सिस्टम है एट ऑल अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है है ना ये कोई आइसोलेटेड एक्सीडेंटल इवेंट नहीं है कि हमने पढ़ लिया आर्टिकल फोर्टी मतलब दिस डिसाइजेशन आप ये भी देखो कि ये आर्टिकल क्यों आया आर्टिकल फोर्टी की जरूरत क्यों हुई क्योंकि गांधी जी ने ये भी बोला था ट्रू इंडिया जो होता है वो विलेजेस में रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन आइसोलेटेड एंड एक्सीडेंटल इवेंट कि एक दिन उठे और हमने बोल दिया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वकील लोग आए जूरिस्ट आए और उन्होंने कंपाइलेशन बना दिया और बोल दिया दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्स्टिट्यूशन एक वेल थॉट डॉक्यूमेंट है दो साल कुछ ग्यारह महीने ऐसे इसमें एक्सरसाइज लगा था और फिर जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स में जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे आप सबका जो वर्क है वो भी बहुत एग्जाम्पलरी रहा है जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपने फ्लोट कराया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो हमारी एथोस को बताता है राजेंद्र प्रसाद साहब ने इफेक्ट में भी बोला कि 26 जनवरी 1950 तो हम इसलिए ले रहे बिकॉज 1930 में जो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी पूर्ण स्वराज की तो ये जो 26 जनवरी का दिन है बड़ा इम्पॉर्टेंट था तो दैट इज़ वाई 26 जनवरी 1950 को हमने दिस अपना दिस रिपब्लिक डे मनाया जाता है बट एक्चुअल में 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो गया था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं तो ये दो डेट पे कंफ्यूज नहीं करना है 26 जनवरी इसलिए बिकॉज पूर्ण स्वराज की इस दिन डिमांड हुई थी ओके okay? सो so, ये नेहरू साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया जो बाद में सिंप्लीफाइड वे में प्री बनेगा कुछ ही दिन पहले हमने इस पे आंसर राइटिंग किया फिर हमने इसके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत जगह से इंस्पिरेशन लिया जैसे यूरोपियन राना सांस कली देखा इटली से स्टार्ट हुआ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के मूवमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन सब की जो बेस्ट वैल्यूज़ थी वो हमने इनकॉर्पोरेट किया जैसे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स परमिएटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के उनका नाम था अंबेडकर साहब तो अंबेडकर साहब का भी जो विजन था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था इन शेपिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बात आया फिर इसके बाद आपकी फोर साइड ने बहुत सारी चीज़ें बताई हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी टू भी आया जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की बात की सेपरेशन ऑफ पावर की बात की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आया लजिस्लेचर में अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट की जाए एग्जीक्यूटिव की दे आर लाइक रेस्पॉन्सिबल टू लजिस्लेचर मतलब कि जिन्होंने सरकार बनाई है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है और लोकसभा में जो सांसद गए हैं वो हम चुन के भेजे हैं तो वो पब्लिक के लिए उत्तरदायी है तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सेट हुई देन जुडिशल इंडिपेंडेंस भी हमने रखा जुडिशरी को कोर्स करेक्शन करने की भी पावर है बाद में दिस केस भारती केस आता है और एक आर्टिकल 142 भी है कंप्लीट जस्टिस जिसमें जुडिशरी दे सकती है तो इससे क्या हुआ जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एथोज है वो हमने चेरिश किए वी द पीपल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल सेंस में वी द पीपल ऑफ इंडिया मेड इट इंडिपेंडेंट सो दैट इट डज नॉट इट डज कंप्लीट जस्टिस टू अस तो ये बात अभी सी जी आई रमन्ना साहब ने भी एम्फेसाइज किया था कि अकाउंटेबिलिटी होना क्यों जरूरी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज वाई इट इज़ ए इट इज़ एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम इसमें इवोल्यूशन भी हुआ है जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हुआ आर्टिकल 368 हुआ सो दिस इज़ द इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब इससे एक सवाल करना है हमें ट्रेस द जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया इंडिया का संविधान कैसे बना पहले हमने प्रीएम्बल देख लिया था अभी आप बताओ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था क्या फिलॉसफी थी किस ब्रिटिश ने जैसे क्रिप्स मिशन आया इस टाइप से किसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर इंडिया को दिया किन वैल्यू सिस्टम पे हमने एम्फेसाइज किया चैरिश वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम क्या है तो ट्रेस द जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट इट्स चैरिश वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम अब सी ये लक्ष्मीकांत की किताब है तो जैसे पार्ट वन है इसका पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि मतलब सत्रह से रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था कंपनी के ऊपर दिस नकेल बांधना चालू कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब इसके बाद उन्नीस आता है जब इंडिया को फ्रीडम मिलता है तो इस बीच एक्ट्स आते हैं कही ना कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब से भी इंस्पायर्ड है स्पेशली जैसे 1935 का एक्ट फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही आप चैप्टर देखोगे डिमांड क्या हुआ कंपोजिशन वर्किंग ये सारी चीजें देन सेलियन फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है इन दोनों चैप्टर से आप बहुत सारा कंटेंट ड्रॉ कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया सो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज देन दिस इज द स्टेपिंग स्टोन इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड अब ये जो बात है वो ये है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसे बनाया जाए इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैसे की जाए इंडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए तो कोविड नाइन्टीन आया तो इसने इम्पैक्ट किया लाइव एंड लाइवलीड्स पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी हुआ हमारी ग्रोथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट सब जगह बहुत बुरा प्रभाव हुआ है कोविड नाइन्टीन का अकेडमिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के हैं वो भी सोल्यूशंस फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं थिंक टैंक सोच रहे हैं कैसे रीबिल्ड करें इकोनॉमीज़ को अब जो हाईलाइट है यहाँ पे वो ये है कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाएँ वो इंक्लूसिव होनी चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का एंश्योर करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ और टेक्नोलॉजी में भी एक्सेलरेशन जरूरी है तो ये जो नए पिलर्स हैं ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और ये पिलर्स इस पर हमें आगे का वर्ल्ड बिल्ड करना है सिमिलर चीज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी हाईलाइट किया कि पोस्ट पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में हम किन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ें तो स्टार्टअप वाइब्रेंसी इज अगेन इंपॉर्टेंट ग्लोबल अटेंशन जो है इंडिया के पास है इंडिया के पास डेमोक्रेसी है डेमोग्राफी भी है और वो स्किल्ड वर्कफोर्स भी है रिजाइलेंस होना जरूरी है कि बाद में भी कोई पैंडमिक आए तो ऐसा नहीं हो कि हम दिस तुरंत गिर जाए नो वी शुड बी हैविंग सम नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड के लिए भी और इसके लिए जरूरी होगा ग्लोबल पार्टनरशिप ग्लोबल पार्टनरशिप एरियाज टू लुक इनटू में क्या है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक रिकवरी जरूरी है और उसके लिए स्टिमुलस पैकेजिंग जरूरी होगी मैकेनिज्म जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो और डिसरप्ट नहीं हो वर्ल्ड का प्रोसेस सेकेंड पॉइंट ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को करेक्ट करना जरूरी है सप्लाई चेन बिकॉज सेकेंड जो फर्स्ट वेव थी कोविड की में भी प्रॉब्लम क्या आया था कि जो सप्लाई चेन है उसके बॉटल एक्सपोज हो गए थे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के चाइना में लॉकेट लगा पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन बॉटल दिखने लग गए डेटा ऑन वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो ये डेटा बताता है रिकवरी हो रही है रिबाउंड हो रहा है ट्रेड का बट मच टू बी डिजायर्ड एफ का इन्फ्लो भी ये बताता है कि रिबाउंड का मोमेंटम है बट ये सस्टेनेबल होना भी बहुत जरूरी है देन इसके बाद ट्रेड पार्टनरशिप रीजनल और मल्टीलेटरल भी होना चाहिए बिकॉज जो वर्ल्ड है वो अब क्या हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है तो रीजनल ब्लॉक्स की भी ट्रेड में बड़ी दिस स्कोप है कॉम्पिटेटिवनेस भी होना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम जैसे ऑन्टरप्रोनोरशिप का है इनोवेशन का है टारगेटेड पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट अब एज एन इनेबलर बन रही है वर्क करवाने के लिए विच इज़ अ गुड थिंग टेक्नोलॉजी जो है जैसे टेलीमेडिसिन हुआ ई e लर्निंग हुआ ये सब चीज़ भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज लाने वाले हैं हमारे वे ऑफ लाइफ का एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग हो कैपेसिटी बिल्डिंग करें टेक्नोलॉजी गैप को फिल करें नर्चर करें नए आइडियाज़ को टैलेंट को नर्चर करें दिस इज रिक्वायर्ड ग्लोबल कोलेबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री 5.0, कुछ ही दिन पहले हमने इंडस्ट्री 4.0 देखा था तो जो अभी की जो इकोनॉमी है ना वो नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी ज़्यादा बन रही है तो इधर भी हमें मैन ह्यूमन स्किल को ध्यान रखना जरूरी है क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो ग्लासगो समिट में भी हमने देखा आईपीसीसी सिक्स रिपोर्ट भी क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी इज रिक्वायर्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी रिसोर्स एफिशिएंसी सस्टेनेबल फाइनेंस हो लाइक like दैट अब इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है इंडिया की बहुत अच्छी पोजिशन है एक तो इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है जिस पोजिशन पे इंडिया है इंडियन ओशियन हमारा बैकयार्ड है सेकेंड इंडिया के पास है डेमोग्राफी यंग पीपल है और इतना स्किल्ड वर्कफोर्स है प्लस हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग भी होते हैं तो हम वर्ड से इंटरेक्ट करने में बेनिफिट में रहते हैं तो दिस इज़ गुड देन इसके बाद क्लाइमेट चेंज में हम देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह करें इंडिया को भी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑल दो दिस फैसिलिटेटर का काम कर रही है बट जो ग्रोथ है जैसे कल हमने ऑक्सफॉर्म देखा इसके अलावा इनिक्वेलिटी रिपोर्ट भी देखा हमारे यहाँ क्या हो रहा है वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रही है कुछ ही हैंड्स में उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो ये भी एक ज़रूरी है कि हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना वो कलेक्टिव होता है अगर सब ग्रो नहीं कर रहे हैं ना आप अकेले ग्रो कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा सो वी नीड टू टेक एवरीबडी टूगेदर आर्टिकल थर्टी नाइन बी एंड सी दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड सो दिस इज दैट द बेटर पार्ट ऑफ वेलर अब यहाँ पे बात है कई बार क्या होता है जैसे जो बड़े टॉप पायलट्स भी रहे हैं बट कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो गए जैसे अभी जो सी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इधर जो पायलट हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड पायलट है बहुत केपेबल पायलट है वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट बट इस टाइप का एक्सीडेंट हुआ ये एक्सीडेंट क्यों हुआ अभी इस पे क्विकली कमेंट्स देना करेक्ट नहीं होगा देर आर सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो तो लेट अस वेट फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है अभी देन वी विल टॉक ऑन दिस फॉर नाउ जो जनरल पॉइंट्स हैं हम उस पर बात करते हैं कि जैसे सी डी एस है सी डी एस कोई ऑर्डिनरी ऑफिसर तो है नहीं है टॉप ऑफिसर है पूरी आर्म्ड फोर्सेस का इवन दिस नेवी आर्मी एयर फोर्स तो जब सी डी एस है फोर स्टार रैंक का ऑफिसर है तो वहाँ प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो हुए यूजली क्या होता है कि जो वी वी आई पी का हेलीकॉप्टर जा रहा है उसके पहले क्या होता है एक एक स्काउट हेलीकॉप्टर पहले जाता है कि मतलब एक दूसरा हेलीकॉप्टर जाएगा वहाँ पे देख के आएगा कि सब चीज़ करेक्ट है या नहीं है उसके बाद फिर वी वी आई पी का मूवमेंट होगा तो वहाँ फॉग था कंडीशन्स डिफरेंट थी चैलेंजिंग वेदर था तो हमने पहले वहाँ पे दिस एक स्काउट हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं भेजा सीधा सी का हेलीकॉप्टर क्यों गया वहाँ पे तो दिस इज़ वन प्रोटोकॉल तो ये जो चीज़ें हैं ना वो ध्यान रखनी चाहिए सेकंड कई बार क्या होता है पायलट का भी एरर हो जाता है पायलट का एरर में क्या होता है कि जो वी, वी बैठा है ना वो प्रेशराइज़ करते हैं कई बार पायलट को कि डू दिस लैंड करो जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है लोकसभा के जो चेयरमैन थे लोकसभा स्पीकर उनका जो प्लेन था वो ऐसे क्रैश हुआ था तो द पॉइंट इज ऐसी एरर्स होती है यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि जो ड्यूटी पे है आप तो आप अपनी ड्यूटी को करो उस ड्यूटी में प्रेशराइज नहीं करो उस ड्यूटी में आप लाइक like, प्रेशराइज होके अनइनफॉर्म्ड या फिर इल इन्फॉर्म नहीं लें पैनिक होकर अब डिसीजन नहीं लें जो करेक्ट है वो करेक्ट है जैसे हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसने बोला वेदर करेक्ट नहीं है अभी वो प्लेन नहीं उड़ सकता मतलब नहीं उड़ सकता तो नो इज अ नो उसको फिर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि अर्जेंट है रिक्वायरमेंट है तो सम हाउ प्लेन लेके जाए नो वो एट टाइम्स हो जाता है तो दिस इज द लेसन सिविल मैनेजमेंट मस्ट शो ग्रेस एंड प्रूडेंस एंड नॉट बिलिटल और पनिश द पायलट हु सेज नो पायलट ने बोला नो मतलब पायलट इज द पर्सन ओवर देयर हु इज फ्लाइंग द मशीन तो पायलट ने बोला नो मतलब नो डिस्क्रिप्शन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्शन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर वैलर क्या होता है बहादुरी क्या होती है यूजली ये मूवी और ये सब सोशल मीडिया नहीं ये बहादुरी नहीं होती बहादुरी मतलब ये होता है कि आपको अपनी ड्यूटी पता है आपको अपना वर्क पता है और बहादुरी का मतलब हमेशा कन्फ्रंटेशन भी नहीं होता है मेनी टाइम्स अगर आप स्टेप बैक कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो ब्रेवरी नॉट कॉवर्डीज सो वॉट डज इट मीन बाय दिस ब्रेवरी 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 और फुलिशनेस में डिफरेंस होता है सेकेंड पैट्रियोटिज्म क्या होता है पैट्रियोटिज्म भी अगर आप फौज के लोगों को भी देखो ना दे आर वेरी पैट्रियोटिक, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पैट्रियोटिज्म अपनी स्लीव्स में लेके घूम रहे हैं कि दिस इज पैट्रियोटिज्म लाइक दैट जैसे सोशल मीडिया या न्यूज़ मीडिया में होता है नो no, वो फिर अल्ट्राजिंगोज और कॉमेडी ज़्यादा लगती है सो इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पैट्रियटिज्म डिमांड्स

पेट्रीओटिज़म क्या होता है हर काम में पेट्रियोटिज्म है इवन अ सिंपल मैन डूइंग हिज सिंपल जॉब अपना ड्यूटी टाइमली और करेक्टली वेल बाउंड मैनर पे कर रहा है दिस इज पेट्रिओिज़्म सो एवरीडे लाइफ में भी सिंपल सिंपल चीज़ों के थ्रू हम पेट्रीओटिज़म दिखा सकते हैं हर किसी को ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ करने की जरूरत नहीं है ट्रू हीरोइज्म रिमार्केबली सोबर सो एवरीडे लाइफ में भी हम अपने वर्क में पेट्रिओटिज़म दिखा सकते हैं Explain with illustration and justify your answer. This is official question 2014 Try एक्सप्लेन विद्रेशन एंड जस्टिफाई पर बात है ताइवान में सेमी कंडक्टर का बड़ा मैन्यूफेक्चरिंग होता है और वर्ल्ड में अभी शॉर्टेज चल रहा है सेमी का तो हम सोच रहे हैं इंडिया में भी सेमी का एक अच्छा बिजनेस बन सकता है प्रोडक्शन होना चाहिए टाटा का भी हमने देखा था यहाँ पे investments हो रहे हैं सो दिस इज द ड्रीम ऑफ बींग चिप हब सेमी Semiconductors. ये ओमिक्रॉन है इसपे भी नई नई थ्योरीज आ रही है स्प्रेड्स फास्ट आफ्सपा के बेसिक्स परसों अब वो मोर देन सफिशिएंट है, Afspa की, Afspa क्या है किन राज्यों में है दिलिमिटेशन अब जैसे सेक्शन वन ए है ये वो एक्ट है जिसके लिए गांधी जी बाल गंगाधर तिलक जी इन सबको भी जेल में डाला गया था दिस इज अ ड्रगोनियन एक्ट ऑफ दिस ब्रिटिश इरा द आइडिया इज की आज स्वतंत्र भारत में पचहत्तर साल होने को आ रहे हैं और हम इस एक्ट का अभी तक क्या यूटिलिटी है हमारे गवर्नमेंस गवर्नेंस में तो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था सी जी आई ने भी कहा कि ये तो वही बात हो गई कि टू कट अ पीस ऑफ वुड ही यूज इज इट टू कट द एंटायर फॉरेस्ट इट सेल्फ आपने एक दिस दिया दिस एक्ट दिया कि एक पेड़ काट लेना और वो वहाँ गया और पूरा जंगल ही साफ कर दिया सो दिस इज दैट दिस इज मिस यूज सो इट इज इनफ टू सी सीव देर एनी एक्सेसेज सेक्शन वन ट्वेंटी फोर सेडिशन के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है इससे चौक होता है फ्री स्पीच पर्सनल लिबर्टी भी होती है इससे पहले श्रेया सिंगल केस में भी इस बात पर बात हुआ था कि सेक्शन कुछ कट डाउन किए थे आई टी एक्ट के नेम दैट सेक्शन तो द पॉइंट इज की वी नीड वी नीड रिफॉर्म्स और एस्पेशली जो आर्काइक लॉ हैं उनको चेंज करना जरूरी है तो इस बात पर अगेन बहस हो रही है लेटेस्ट से यहाँ पर क्या होता है अटॉर्नी जनरल ने ये यह यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है लेट अस सी देन आईपीसी का था ये 124 ए देन दिस इज वाराणसी 71 वन वॉर रिफ्लेक्ट फॉली ऑफ पार्टीशन फॉली ऑफ पार्टीशन सो दिस इज देर देन इंटीग्रेशन अमंग द थ्री सर्विसेज जरूरी है अभी सी का एक्सीडेंट होने के कारण ये लो अफेयर है यहाँ पे इनोग्रेशन है स्वर्णिम विजय पर्व स्वर्णिम विजय पर्व ये प्राइम मिनिस्टर हैं और जनरल दिस सैम मानिक तो कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी होगा अब ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंस का है बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ जो ईस्टर्न पाकिस्तान था ये पहले और एक था वेस्टर्न पाकिस्तान तो यहाँ बांग्लादेश में अट्रोसिटीज बहुत होती थी यहाँ के लोगों ने शेख मुजिबुर रहमान और यहाँ पे दिस कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो यहाँ की जो मुक्ति वाहिनी थी उसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने सपोर्ट किया बहुत सारे रिफ्यूजीज भी आ गए थे इंडिया में वेस्टर्न नॉर्दर्न सेक्टर में सो दिस वॉज द टाइम ऑफ नाइनटीन सेवेंटी हंड्रेड इंडियन सोवरिटी बता रहा है ऑब्वियसली हमारा जहां से बेस्ट इंटरेस्ट होगा हम वहां से परचेज करेंगे एस फोर हंड्रेड बूस्टर डोज कैन वेट आई सी एम आर साइंटिस्ट ने बताया लॉन्ग कोविड के भी यहाँ सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं टेक वेरी वेरी गुड ऑफ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ देन दिस इज जी सेवन और रशिया डी एस करे This tension, Ukraine Ukraine. ना हमने दिस यूक्रेन पे दिस रशियन इनकर्शन वेरी बिग डेवलपमेंट बेनेट मतलब इजराइल यूजली क्या होता था अरब और इजराइल मतलब नॉट गुड एनिमीज टाइप सिचुएशन होती थी बट अब सी अरब और इजराइल के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है फर्स्ट विजिट बाय इस डिग्रे रेबल यहाँ पर हैं इथियोपिया टोर्नेडो का ऐसा स्केयर है टोर्नेडो हमने वो भी पढ़ाया दिस क्या दिस साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन तो टोर्नेडो भी ऐसा लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और बहुत तेजी से स्वर होता है विंड ऐसे होती है और वो ऐसे डिस्ट्रक्शन कॉज करती है उसके वे पे जो भी आता है ओमिक्रॉन स्प्रेड्स फास्टर एंड वीकन्स वैक्सीन एफिकेसी डब्ल्यू एच ओ ने बताया देन दिस इज चाइल्ड फ्यूचर नाइट और ये है स्पोर्ट्स देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट केरला इतना ब्यूटीफुल और यूनिक शहर क्यों है सो so, इस आर्टिकल में बात किया है जो बात है वो है केरला के एजुकेशन केरला के गवर्नेंस केरला के पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस लाइक दैट कि जो केरला मॉडल है एजुकेशन हेल्थ केयर ह्यूमन स्किल्स वेलफेयर डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर लेट भी इकोनॉमी है टूरिज्म है यहाँ पे उसके क्या दिस मायने हैं क्लोज़र लुक एट द सोशल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन सदर्न स्टेट्स तो पहले तो यहाँ पे बताया एक्चुअली केरला को शुरू से काफ़ी बेनिफिट भी मिला जो कोस्टल एरिया होते हैं ये बड़े कॉन्टेक्ट में आते हैं जो ट्रेडर्स हैं जो बाहर से लोग आए हैं ट्रेडर्स हैं तो यहाँ की जो कम्युनिटी होती है ना उसमें लाइक मल्टी कल्चरलिज़म ज़्यादा देखने को मिलता है तो दिस इज़ वन रीज़न देन केरला का जो लेसनस यहाँ पे हमने सीखे कुछ हाईलाइट्स हैं कि एम्पावर करना सिविल सिटीजन को क्यों ज़रूरी है सिविक लाइफ में भी सिविक पोलिटिकल राइट्स जाने सिविक लाइफ जानें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जाने इम्पॉर्टेंट कोविड नाइन्टीन में भी एक टाइम था केरला वॉज डूइंग गुड दैन लैप्स भी हुए यहाँ जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए तो फिर एक जम्प भी हुआ कोविड केसेस का फ्लड्स के जो केसेज आए तो इसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है एजुकेशन देन सिविक सोसाइटी एट्सेट्रा दैन तो जो ओवरऑल टोन है वो ये है कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन दीज आर इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ओमिक्रॉन है दिस इज गेटिंग प्लेस टर्न कोड्स क्या होते हैं दिस एक पार्टी से दूसरी पार्टी स्विच कर लिया आया गया इनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता है पेइंग द प्राइस है दिस इज क्वांटम ऑफ सेंटेंस एंड रोइंग टू विक्ट्री सी अब ये जो है दिस इज़ गिव देम द स्टिक इफ दे हिट अ नर्व तो नो योर इंग्लिश का ये सेक्शन है इंग्लिश के कुछ यहाँ पे इडियम्स और ऐसे फ्रेजेस दिए हुए हैं कि हिट योर नर्व का क्या मतलब होता है टेल देन डू द एक्स्ट्रा माइल गो द एक्स्ट्रा माइल इसका क्या मतलब होता है कि आपने बहुत अच्छे से वो काम किया है गो द एक्स्ट्रा माइल देन यहाँ पे एक और वर्ड है यहाँ पे कि ड्रेसिंग डाउन ड्रेसिंग डाउन देना थोड़ा डांट लगाना लाइक like दैट तो ये सब होते हैं इडियम्स फ्रेजल वर्ड्स लाइक दैट इनसे जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी और रिफ़ाइन हो जाती है हम टू द पॉइंट कई बार फ्रेजल वर्ड्स में ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं ये फ्यूडल क्लाउड किंगडम है ओवरऑल यहाँ पे बताया है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्लाउड है स्टोरेज आजकल हर जगह क्लाउड ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे कि वेबसाइट ऑपरेशंस तो इसके लिए अमेजन वेब सर्विस है ये मैसिव एक क्लाउड सिस्टम है वेबसाइट होस्टिंग वगैरह का यहाँ पे है पिछले कुछ वीक में यहाँ काफ़ी आउटेजेस आए अपना वेबसाइट भी थोड़ा स्ट्रगल किया है एट टाइम्स तो दिस टेल्स कि हम एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्लाउड लोकेशन पे कई बार आउटेजेस आते हैं जैसे इंस्टाग्राम आउटेज हुआ व्हाट्सएप आउटेज हुआ फेसबुक का अक्सर होता है ट्विटर होता है तो क्या होता है हमारा जो वर्क है वो ट्रिपल हो जाता है सो इसके सॉल्यूशंस क्या हो क्यों ना हम बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको सेपरेट करें सेपरेट करें मतलब अगर आउटेज भी हो रहा है तो वो रीजनल आउटेज हो पूरे वर्ल्ड लेवल पर आउटलेज नहीं हो आउटेज नहीं हो तो दीज थिंग्स वी नीड टू डू बाकी यहाँ पे क्लाउड सर्विस क्या होती है बेसिक समय पता ही है अमेजान वेब सर्विस में ये हुआ था क्लाउड्स रिलेटेड डेटा कहीं आपका सर्वर्स में दूर स्टोर है और फिर इंटरनेट के थ्रू आप उसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो जब से कोविड हुआ है रिमोट वर्किंग है तो ये टूल्स बिजनेस में बहुत ज़्यादा वर्क में भी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ मोनोपोली भी तोड़ना ज़रूरी है जो कुछ एक अमेजॉन जैसे बड़ी कंपनीज़ की मोनोपोली है डिसेंट्रलाइजेशन भी करना ज़रूरी है ताकि आउटेज हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो ऐसा नहीं हो कि पूरा वर्ल्ड ही चौक हो जाए पीयर टू पीयर मॉडल्स वगैरह हो तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड प्लस सिक्योरिटी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड एक्सेट्रा क्लाउड इकोसिस्टम बिकॉज अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की अभी फाइव जी आने दो सब चीज़ जो क्लाउड एंड इंटरनेट एटसेट्रा इसका अनपैरल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है तो जैसे ये कुछ है मोनोपोली है ए डब्ल्यू एस गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये लोग डोमिनेट करते हैं तो इधर भी एक चेक लगाना जरूरी है तो ये रेगुलर टॉक्स है द फ्यूडल क्लाउड किंगडम देन यहाँ पे बात है पार्लियामेंट हाउस में जो ट्वेंटी ईयर्स अगो इस डेट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ये उससे रिलेटेड क्विज है सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर तो आज के दो सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और पैट्रियोटिज्म से क्या समझते हैं जीएस फोर ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ